व्हाट्सएप की पॉपुलैरिटी किसी से छुपी नहीं है। व्हाट्सएप पर आसानी से मेट्रो का टिकट, इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर पेन या फिर ड्राइविंग लाइसेंस तक हम डाउनलोड कर सकते हैं। ये सर्विस व्हाट्सएप पर एकदम मुफ्त उपलब्ध है और आइए जानते हैं कि इन्हें कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका तरीका अच्छे से समझते हैं। व्हाट्सएप की पॉपुलैरिटी किसी से छुपी नहीं है। भारत में इसके करोड़ों यूजर्स हैं और इसका फायदा सरकारी से लेकर कई प्राइवेट कंपनियां भी उठाती हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी सर्विसेज के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से यूजर्स बड़े ही आसानी से मोबाइल पर मेट्रो का टिकट ले सकते हैं। दरअसल व्हाट्सएप पर कई ऐसे सरकारी चैटबॉट मौजूद हैं जो यूजर्स को अलग अलग सुविधाएं देते हैं। शुरुआत मेट्रो की टिकट बुकिंग से मैं करता हूं। दरअसल दिल्ली मेट्रो की तरफ से एक सुविधा पहले से ही जारी हो चुकी है जिससे यूजर्स आसानी से व्हाट्सएप पर ही टिकट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कैसे व्हाट्सएप से हम मेट्रो के टिकट जो है बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप ऐप पर मेट्रो के टिकट बुक करने के लिए पहले एक नंबर दैट इज 9650855800 नंबर पर हाई लिखकर मैसेज भेजें। इसके बाद अपनी लैंग्वेज चुनें और उसके बाद बाई टिकट के ऑप्शन का चुनाव करें। फिर एक नया मैसेज आएगा जिस पर क्लिक करके एक नई विंडो खुलेगी जिसमें यूजर को अपने स्टेशन के नाम चुनने होंगे। इसमें सोर्स और डेस्टिनेशन स्टेशन को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद यूजर्स को एक टिकट का अमाउंट नजर आएगा। ध्यान रखें कि व्हाट्सएप की मदद से आप मैक्सिमम 6 टिकट यानी 6 टिकट्स खरीद सकते हैं। इसके बाद नीचे टोटल अमाउंट आ जाएगा जिसकी आपको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करने के बाद आपको टिकट का मैसेज आ जाएगा जिसे स्कैन करके आप मेट्रो में एंट्री और एग्जिट कर पाएंगे। व्हाट्सएप पर मिलेगी ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी बिल की भी सुविधा। व्हाट्सएप यूजर चाहे तो बड़े आसानी से इलेक्ट्रिसिटी बिल देख सकते हैं या फाइल पीडीएफ के रूप में चैट पर आ जाती है। दरअसल दिल्ली हो या फिर उत्तर प्रदेश या फिर कोई अन्य राज्य, लोग बड़ी ही आसानी से इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने राज्य या फिर इलेक्ट्रिसिटी सर्विस प्रोवाइडर का नाम पता इंटर करना होगा। इसके बाद उसके प्रोवाइडर नंबर पर मैसेज करना होगा जो उसके ऑफिशियल पेज पर आसानी से मिल जाएगा। हर एक राज्य और प्रदेश का प्रोसेस अलग अलग। व्हाट्सएप पर मिलेगी यूजर्स को ड्राइविंग लाइसेंस की सुविधा। व्हाट्सएप यूजर बड़ी ही आसानी से अपनी चैट पर लाइसेंस, पैन कार्ड और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको 9013151515 पर हाय या फिर डिजी लॉकर पर सेंड करना होगा। इसके बाद यूजर्स को वहां से मैसेज आएगा। इस प्रोसेस में यूजर्स को अपना आधार नंबर देना जरूरी होगा। इसके बाद ओटीपी देकर जानकारी को कंफर्म करना होगा। इसके बाद जो है आप ड्राइविंग लाइसेंस को चुन सकेंगे। फिर गवर्नमेंट ऑन व्हाट्सएप की चैट पर लाइसेंस का पीडीएफ फाइल आ जाएगा जिसे डाउनलोड करके आप ओपन कर सकते हैं। इस प्रोसेस की मदद से यूजर पैन कार्ड को भी डाउनलोड कर सकता है। इसके लिए आपको अपने डिजी लॉकर में पहले अपलोड करना होगा पैन कार्ड को। चलिए आगे हम जानते हैं। व्हाट्सएप पर जल्द ही मिलेगा डीटीसी बसों का टिकट। दिल्ली में डीटीसी बसों में एक दिन में न जाने कितने लोग सफर करते हैं और इसके लिए उन्हें हर बार बस में बैठे कंडक्टर से टिकट खरीदना पड़ता है। अब व्हाट्सएप यूजर्स को ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि जल्द ही यूजर व्हाट्सएप से डीटीसी के जो है टिकट्स जो है बुक कर पाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।